दोस्तों आज क्रिसमस है और गुल्ली बुली सोन अपने घर में क्रिसमस पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। सोन तो घर के छत पर चढ़कर लाइट्स लगा रहा है। गुल्ली बोलता है, सोन जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें और भी काफी ज्यादा काम है और अगर तुमने जल्दी सारा काम नहीं किया तो सेंटा चाचा तुम्हें गिफ्ट नहीं देंगे। सोन बोलता है, गुल्ली तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर सेंटा चाचा ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। गुल्ली बोलता है, सोन अगर तुम्हारा काम हो जाए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें गोदी ले लूंगा। सोन बोलता है, बुल्ली तुम ही मेरे असली दोस्त हो। गुल्ली बोलता है, बुल्ली आखिरकार तुमने सेंटा चाचा से क्या मांगा है? बुल्ली बोलता है, गुल्ली मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है, तो फिर तुमने किसके लिए मांगा है? बुल्ली बोलता है, जो जो हमारी वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में सेंटा चाचा आकर चार को अंडा देगा। सोन बोलता है, बुल्ली मैंने ऊपर का सारा काम खत्म कर लिया है, अब मैं नीचे कूद रहा हूँ, तुम मुझे पकड़ लेना। बुल्ली बोलता है, सोन तुम अपनी आंखें बंद कर कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और फिर सोन अपनी आंखें बंद कर कूद जाता है। लेकिन ये क्या, बुल्ली ने तो सोन को धोखा दे दिया है जिसके कारण लगता है कि सोन बेहोश हो चुका है। गुल्ली बोलता है, लगता है कि आज सोन रात भर रुकने वाला नहीं है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे तो लगता है कि ये एक कचरा है और इस कचरे को कचरेदान में फेंक देना चाहिए, सेंटा तो इसे देखकर ही भाग जाता, चलो जल्दी से इसे कूड़े में फेंक कर आते हैं। गुल्ली बोलता, हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरा भी कुछ यही कहना था। और फिर गुल्ली सोन का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के बाहर कचरेदान में फेंकने के लिए जाने लगता है। तभी वहां पर दौड़ते हुए रॉड आ जाता है। गुल्ली बोलता है, क्या हुआ रॉड, तुम यहाँ पर भागते हुए क्यों आ रहे हो, कहीं तुम्हारे पीछे कोई कुत्ते तो नहीं पड़े हुए हैं? रॉड बोलता, नहीं गुल्ली बुल्ली तुम गलत समझ रहे हो, मेरे पीछे कोई भी कुत्ता नहीं पड़ा हुआ है और अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बुल्ली बोलता, तो आखिरकार ऐसी क्या बात है जो तुम यहाँ पर भागते हुए आ रहे हो? रॉड बोलता, मैं तुम दोनों को बताता हूँ लेकिन पहले सोन को तो आ जाने दो, वो आखिरकार कहाँ है? बुल्ली बोलता, कौन सोन, सोन की तो मैंने पुंगी बजा दी। बुल्ली बोलता, क्या हुआ गुल्ली और रॉड, आखिरकार तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? गुल्ली बोलता, सोन तुमने बुल्ली को काफी ज्यादा मार लिया है, अब उसे छोड़ दो, रॉड हमसे कुछ ज्यादा ही जरूरी बात करना चाहता है, पहले हम लोग उसकी बात सुनते हैं। रॉड बोलता, गुल्ली मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे सुन कर तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। गुल्ली बोलता, बताओ भी रॉड आखिरकार तुमने क्या देखा? रॉड बोलता है, जब मैं ग्रैनी ग्रैंडपा के घर से गुजर रहा था तब मैंने कुछ ऐसा देखा। अरे ये क्या, ये तो सेंटा है और ये तो ग्रैनी ग्रैंडपा के घर पर जा रहा है, लगता है कि सेंटा को पता नहीं है कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक आदमी है। हो आ गया तुम लोग का सेंटा। अरे ग्रैंडपा सेंटा आ गया, चलो बाहर। अरे आ रहे हैं ग्रैनी, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ग्रैनी सेंटा को मार मार कर पागल कर देती है और फिर ग्रैंडपा सेंटा को इंजेक्शन दे देता है जिससे कि सेंटा एक खूनी सेंटा बन जाता है और तब से ही वो खूनी सेंटा मेरे मोहल्ले के सारे बच्चों को उठा उठा कर लेकर जा रहा है, इसीलिए मैं तुम लोगों से मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। गुल्ली बोलता है, हम लोग के होते हुए किसी भी बच्ची पर मुसीबत नहीं आ सकती और अगर ये खूनी सेंटा बच्चों को इसी तरह मारता रहा तो सेंटा पर से बच्चों का विश्वास खत्म हो जाएगा। सोन बोलता, रॉड हमारे होते हुए बच्चों पर मुसीबत नहीं आ सकती क्योंकि हम लोग बाबा लंगोटी लाल के चेले हैं और अगर बाबा लंगोटी लाल को पता चल गया कि हमारे होते हुए बच्चों पर मुसीबत आ रही है तो फिर वो हमें कमरे में बंद कर बहुत मारेंगे। बुल्ली बोलता, लेकिन आखिरकार वो खूनी सेंटा मिलेगा कहाँ? तभी वहां पर खूनी सेंटा की गाड़ी की आवाज आने लगती है। सारे लोग ऊपर देखने लगते हैं। रॉड बोलता, यही है खूनी सेंटा जो एक एक करके सारे बच्चों को मार रहा है। गुल्ली बोलता, हमें इसका पीछा करना चाहिए वरना ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। बुल्ली बोलता, मैं अभी जीप लेकर आता हूँ, उससे हम लोग खूनी सेंटा का आराम से पीछा कर सकते हैं। और फिर बुल्ली दौड़ कर जाता है और जीप को वहां पर लेकर आ जाता है। सारे लोग जीप में बैठ जाते हैं और खूनी सेंटा का पीछा करने लगते हैं। आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। और फिर वो सेंटा एक बच्चे के घर पर चला जाता है। सोन बोलता, ये तो मोंटी का घर है और मोंटी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। रॉड बोलता है, तो अब ये सेंटा मोंटी को नहीं छोड़ेगा। सोन बोलता, तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, मोंटी सेंटा को नहीं छोड़ेगा,
मोंटी एक बहुत ही बदमाश बच्चा है और वो हर बार सेंटा को बहुत मारता है, इसीलिए मोंटी ने इस बार भी सेंटा के लिए कुछ न कुछ तो इंतजाम किया ही होगा। गुल्ली बोलता चलो हम लोग आगे चलकर देखते हैं। और फिर गुल्ली बुली सोन और रॉड झाड़ियों में छिपकर सेंटा को देखने लगते हैं। हो 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 हो, सेंटा आ गया, किधर हो मोंटी, ये लो अपना गिफ्ट। और फिर सेंटा मोंटी का दरवाजा खटखटाने लगता है और तभी अरे ये क्या, मोंटी ने तो एक बार में ही सेंटा को जमीन पर ढेर कर दिया है। सेंटा मैं तेरे देह पे तोड़ूंगा डंडा। सोन बोलता देखा रॉड, मोंटी ने खूनी सेंटा का क्या हाल किया, तुम तो बोल रहे थे कि खूनी सेंटा बहुत ही खतरनाक है, हमारे मोहल्ला का बच्चा इससे भी ज्यादा खतरनाक है। गुल्ली बोलता यहाँ तो हमारी कुछ जरूरत ही नहीं है, मोंटी अकेले ही सारा सब कुछ संभाले हुए है। बुल्ली बोलता है ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब हर बार की तरह सेंटा का सारा गिफ्ट मेरा हुआ। तभी बुल्ली का बैलेंस बिगड़ जाता है और वहाँ पड़ा हुआ डब्बा बुल्ली से गिर जाता है। अरे ये क्या, अब खूनी सेंटा ने तो गुल्ली बुली सोन और रॉड को देख लिया है और अब तो इन चारों की खैर नहीं, सारे लोग वहाँ से जंगल में भाग जाते हैं और खूनी सेंटा भी उन लोगों का पीछा कर रहा है। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम्हारे कारण आज हम लोग इतने बड़े मुसीबत में पड़े हुए हैं और अगर खूनी सेंटा ने हमें देख लिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। बुल्ली बोलता है मैं उस खूनी सेंटा का चेहरा देखकर डर गया था, इसी कारण मुझसे गलती से वो डब्बा गिर गया। सोन बोलता है तुम लोग झगड़ना बंद करो, आगे देखो एक छोटा सा घर है, हम लोग उस घर में जाकर छिप सकते हैं। और फिर सारे लोग उस पुराने घर में जाकर छिप जाते हैं। सोन बोलता है ये खूनी सेंटा तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इसका सामना कर पाएंगे। गुल्ली बोलता है इसका सामना करना भी नहीं है, ग्रैंडपा ने जो इसे इंजेक्शन दिया है बस हमें उसका एंटीडोट खोजना पड़ेगा और इस खूनी सेंटा को वापस से ठीक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेंटा से अपना गिफ्ट लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बुल्ली बोलता लेकिन आखिरकार हम लोग इस खूनी सेंटा को ठीक कैसे करेंगे। बुल्ली बोलता ये तो हमें बाबा ही बताएंगे, बस हमें किसी तरह बाबा के पास जाना होगा। सोन बोलता रुको अभी मैं खिड़की से बाहर जाकर देखता हूँ कि वो खूनी सेंटा यहाँ से गया कि नहीं। सोन खिड़की से बाहर देखता है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सोन बोलता लगता है कि खूनी सेंटा यहाँ से चला गया है, अब हमें बाबा के पास जाना चाहिए। और फिर सारे लोग घर से बाहर चले जाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुली सोन और रॉड का, क्या ये चारों बाबा के पास पहुंच पाएंगे या फिर ये खूनी सेंटा इन चारों को मौत के घाट उतार देगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।